एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो बेटा, बात करते हैं इस वीडियो के बारे में जो मैंने क्यों ये वीडियो बनाया है। तो बेटा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने एक न्यू चैप्टर को कंबाइन करके आपके पास प्रेजेंट किया है, जो पूरा NCERT कवर किया मैंने, जिसका नाम है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नीट और JEE एग्जाम के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर को मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, उसका वन शॉट वीडियो। तो उसी को मैंने फिर एक बार कंबाइन करके आपको पास प्रेजेंट कर दिया, उसको अपलोड कर दिया। तो जाओ उस चैप्टर को NCERT से पूरा लाइन बाय लाइन कवर किया वो देख लो। और चैप्टर कवर करने के बाद मैंने लगभग 20 क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस भी कराया आपको। और भी कोई दिक्कत है तो मुझे आप पर्सनली, मेरा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन, उसमें आप टेक्स्ट कर सकते हो। और जब ये वीडियो आप देखोगे तो इंश्योर करना जो आपके पास NCERT भी होंगे, आपके पास NCERT है, ओके, तभी ये आपको फ़ायदेमंद होंगे। और NCERT के सारे लाइन मैंने उसमें कवर किया। हाँ बेटा, 2 पार्ट कवर नहीं किया, एक तो IUPAC नेमिंग और एक बेसिक सिग्नेचर, क्योंकि मैंने वो दूसरे वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो पूरा ME चैप्टर मैंने कवर किया, बाकी सारे पॉइंट है सिर्फ 2 पार्ट छोड़ के, एक तो IUPAC नेमिंग और एक क्या बेसिक सिग्नेचर। ओके, तो अब जाओ और इस वीडियो को इन्जॉय करो। और कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आज एमिन्स पढ़ने वाले हैं। एमिन्स के बारे में पहले हम देख लेते हैं हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या क्या है। तो पहले हमें प्रिपरेशन देखना है। एमिन्स को प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? एल्काइलाइट से एमोनिया के साथ रिएक्शन करके। तो रिएक्शन विद एमोनिया विद एल्काइलाइट, इसके साथ रिएक्शन करके करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट और भी है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। उसके बाद हम करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके भी हम क्या बन सकते हैं? एमिन बना सकते हैं। उसके बाद साइनाइड से, आइसोसाइनाइड से और एमाइड से भी हम बना सकते हैं क्या? एमिन्स। उसके बाद हम देखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सीक्वेंस वाला रिएक्शन होता है ना, उसमें ये बहुत यूज़ होता है। तो इसको हम देखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसको हम हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे इसका क्या, एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड रिएक्शन विथ HNO2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है HNO2 के साथ। HNO2 का रिएक्शन एलिफेटिक एमिन्स का एंड एरोमेटिक एमिन्स का। उसके बाद हम देखने वाले हैं वेरियस टेस्ट ऑफ एमीन्स। इन टेस्ट, तीनों टेस्ट में से एक टेस्ट तो पक्का एग्जाम में आता है, जैसे कि हॉफमैन ब्रोमास्टरवाल्ड टेस्ट, कार्बिलेमेन टेस्ट, जिनमें से कार्बिलेमेन टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हिंडबर्ग्स सेपरेशन और हिंडबर्ग्स टेस्ट, यानी इसलिए जिसको स्टर मारा वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको सब पढ़ना है ये, क्योंकि ये बहुत कम कम हमने बनाया, इससे आपको ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। रिएक्शन एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोक्लिक सब्सटिट्यूशन एनिलीन का, जैसे कि ब्रोमिनेशन। उसके बाद आपको नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये रिएक्शन पढ़ना है। और लास्ट में एनिल का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डायजो कपलिंग रिएक्शन। डायजो कपलिंग, में फिर बोल रहा हूँ, डायजो कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है एक रिएक्शन जो बहुत ही फेमस है, रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सोल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम सोल्ट होता है, ये होता है, ये बेंजीन आप सब जानते हैं। इसके बाद N2+ और Cl-, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका सारे रिएक्शन आपको पढ़ना है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन पढ़ना है। और लास्ट जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स एंड एनिलीन्स, एमीन्स एंड एनिलीन्स, ये आपको पढ़ लेना है। बस आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। अब हम थियोरी पार्ट शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, चलिए हमने अभी तक बोल दिए हैं जो हमें इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है। अब हम अगर देखेंगे तो पहले हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो हम कैसे एमीन प्रिपरेशन करते हैं एल्काइलाइट को यूज़ करके विद एमोनिया। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, एल्काइलाइट को हम यूज़ करते हैं, जिसके आपने देख लिया एल्काइलाइट RX है। देखिए क्या है एल्काइलाइट RX, इसमें क्या होता है, कार्बन पॉजिटिव होता है और X नेगेटिव होता है, डेल प्लस नेगेटिव, और इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं एमोनिया। अगर एमोनिया का इस साइड में अटैक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर फ्रंट साइड से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, R1 डिग्री में बनेगा। क्या बनेगा, 1 डिग्री में। आपको इसको याद रखना कैसे है, देखो आप इससे हेलोजन और इससे हाइड्रोजन हटाना है, HX हटाना है, क्या हटाना है, HX, तो क्या जुड़ दो, RNH2 जुड़ दो बस। आप ये रिएक्शन होता है SN2 रिएक्शन, क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिकुलर, SN2 रिएक्शन होता है। देखो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो SN2 रिएक्शन होता है, इसको भूलना नहीं आपको। आप देख लीजिए इसमें लोन पेयर फिर भी है एनिल 1 डिग्री के साथ, ये अगर फिर से HX के साथ रिएक्शन करे RX के साथ, तो ये फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये निकल जाएगा, तो 2 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री एमीन, इस तरह चलते रहेगा, 3 डिग्री एमीन बनेगा। उसके बाद लास्ट में फिर से एमोनिया है तो फिर से अटैक करेगा, तो क्या, 4 डिग्री एमोनिया, इसको मतलब क्वार्टरनरी एमोनियम सॉल्ट।
तो इस रिएक्शन में अगर एल्काइल के साथ किसका रिएक्शन करें, आप एमोनिया का रिएक्शन करें, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन एमोलाइसिस। क्या नाम है? हॉफमैन एमोनोलाइसिस। फिर बोल रहा हूँ, ये जो एमोनिया के साथ एल्काइल का रिएक्शन जो बन रहा है, इसको नाम है क्या? इसमें 1 डिग्री बनेगा एक्सेस, अगर एल्काइल ले लिया तो 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, मतलब क्वार्टरनरी अमोनिया सॉल्ट बनेगा। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन एमोनोलाइसिस। क्या नाम है? हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन होता है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से। क्या होता है? हमने पहले ही बोल दिया SN2 मैकेनिज्म से होता है। और इसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, मिक्सचर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्वांटिटी अमोनियम सॉल्ट। तो ये प्रोसेस इज नॉट सुटेबल, ये प्रोसेस अच्छा प्रोसेस नहीं है क्या 1 डिग्री बनाने के लिए? मतलब ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा तो उतना सुटेबल नहीं है। ओके, अब गाइस और एक इन्फॉर्मेशन इस हॉफमैन एमोलाइसिस के बारे में। हॉफमैन एमोलाइसिस से हम क्या नहीं कर सकते हैं, याद रखना, एराइल एमीन नहीं बना सकते। मतलब एराइल एमीन का मतलब आर बेंजीन और इसके साथ NH2, ये हम नहीं बना सकते, ये हम नहीं बना सकते, एनिलीन नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो NH2 है, ये जो NH2 है, ये क्या करता है? बेंजीनिंग में रेजोनेंस के पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना? तो इस तरह का हम नहीं बना सकते हैं। एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो, जैसे एराइल हैलाइड जो एराइल हैलाइड, मतलब अगर ऐसा बना, ये नहीं बना सकते हैं इस तरह का, क्योंकि एराइल हैलाइड जो है, ये होता है एराइल हैलाइड, इसमें लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो ये इसमें SN2 रिएक्शन कभी नहीं होता, एराइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होता, तो ये निकाल नहीं जाएगा, तो ये यहाँ अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, ये जो एल्काइल हमने यूज़ किया था उसका रिएक्टिविटी क्या होगा। आपके पास अगर आयोडाइड है, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जल्दी एल्काइल आयोडाइड करेगा, उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद एल्काइल आयोडाइड। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाइस जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्या नाम है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब पहला बात, इसमें आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, इसमें जो वो बात सुन लीजिए अच्छे से, बस इसको याद रखना सबसे ज़्यादा। बाय दिस रिएक्शन वी गेट ओनली एंड ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक एमिन। इस रिएक्शन से हम सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमिन बनेंगे, वो भी क्या होगा? एलिफेटिक। क्या होगा? एलिफेटिक। अब रिएक्शन का अगर देखना चाहते हैं तो ये होता है, जैसे देखो, ये थैलिक एसिड, ये क्या है? थैलिक एसिड। बेंजीन के साथ अगर सेम पोजिशन, पास वाले पोजीशन में, मतलब कंजुगेट पोजीशन, पास वाले पोजीशन, इस पोजीशन और इस पोजीशन में दो अगर एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम है थैलिक एसिड। देखो, इस पोजीशन में एक एसिड ग्रुप, इस पोजीशन में थैलिक एसिड, इसको अगर हीट करते हैं तो बनते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। देखो, इससे एच और इससे ओएच गया, ए जुड़ गया इससे, तो क्या बन गया? थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अगर मैं क्या करता हूँ, एमोनिया का रिएक्शन कराता हूँ, तो इसका एमोनिया का, तो बन जाता है इस तरह का एक कंपाउंड, बन जाता है इस तरह, बन जाता है थैलामाइड। क्या बन जाता है? थैलामाइड। क्या बन जाता है? थैलामाइड बनता है। अब इससे अगर KOH का रिएक्शन करूँ, तो ये जो एज है बेंजीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ये मोस्ट एसिडिक। क्यों मोस्ट एसिडिक? क्योंकि ये जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रूटरिंग, ये भी क्या? इलेक्ट्रॉन रूटरिंग ग्रुप। तो इसके साथ ये जो नाइट्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन है, वो जो हट जाए तो इसमें माइनस आएगा, और ये माइनस रेजोनेंस दोनों साइड में कर सकता है, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक एसिड के साथ अगर आपको किसी बेस का रिएक्शन कराना है, तो तुरंत क्या होता है, एक पोटाशियम जो है मेटल, इसको रिप्लेस कर देता है, तो क्या बनता है? देखो, ये रिप्लेस कर दिया इधर, तो क्या बनता है? एन ए माइनस और के प्लस, तो इस तरह पॉइंट ऑफ। अब इसके साथ कई एल्काइल हाइड का रिएक्शन कराएं। अब देखिए, इसके साथ अगर मैं कई एल्काइल हाइड का रिएक्शन कराऊँ, जैसे इसका कई एल्काइल आर एक्स रिएक्शन कराऊँ, लेकिन याद रखना गाइस, ये जो एल्काइल हाइड है, ये क्या होना चाहिए? हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 डिग्री। तो ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो ये बन जाएगा इस तरह का। अब इसके साथ हाइड्रोलाइज करा दो, क्या कर दो? हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा? देखो, RN इसके हाइड्रोलाइज, मतलब इधर इधर ब्रेक कर दो, इधर एच और इधर OH जुड़ दो, इधर एच और इधर क्या OH जुड़, तो क्या होगा? RN, इधर एच, इधर इसका क्या होगा? NH2। इधर क्या बन रहा है? COR। देखो, R इसमें CO और OH, CO मतलब थैलिक एसिड, फिर जो थैलिक एसिड था वही बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? RNH2। कौन रहा है? 1 डिग्री एमीन। क्या बन रहा है? 1 डिग्री एमीन। तो इसमें से, इस रिएक्शन से हमें सिर्फ 1 डिग्री एमीन बनता है, और एल्काइल हाइड में क्या यूज़ कर सकता हूँ? SN2 करता हूँ, और एल्काइल हाइड हमेशा क्या होगा? 1 डिग्री। बस इतना याद रखना है। रिएक्शन कैसे हो रहा है ये तो आपको नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट देखिए, क्या बाय रिडक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जितना मैंने बोला आपको क्या पढ़ना है, बस उसी का सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ गाइस। अगर मैं लेता हूँ RNH2, तो इसको बोलते हैं हम एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। क्यों? ये जो RNH2 ग्रुप है, किसका जुड़ा हुआ है? एल्काइल ग्रुप के साथ, एल्काइल एलिफेटिक ग्रुप के साथ, ये भी एल्काइल, तो इसको बोलते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड। अगर मैं नाइट्रो ग्रुप के साथ एराइल ग्रुप ले लूँ, दिस इज बेंजीन, दिस कॉल्ड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। ओके गाइस, अब कुछ भी हो, एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, इसका रिडक्शन कराता हूँ किसके साथ? एक्टिव मेटल।
कोई भी एक्टिव मेटल, जैसे कि हो सकता है जिंक, हो सकता है, हो सकता है टीन, हो सकता है आयरन और एसिड, जिंक एसिड, कोई भी एक्टिव मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट, या फिर सोडियम एल्कोहल, या फिर रेनिनिकल H2, इन सारे रिएजेंट में रिएजेंट को याद कर लो पहला, फिर बोल रहा हूँ मेरे साथ एक बार बोलते रहो आप। देखो एक्टिव मेटल जिंक टीन SN, इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी ले लो विद एसिड, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर NaBH4, या फिर सोडियम एल्कोहल, या फिर क्या लो रेनिनिकल HI, ये सारे क्या है, अच्छा रिड्यूसर है, ये क्या करता है कंप्लीट रिडक्शन कर देता है NO2 ग्रुप को, किसमें कन्वर्ट करता है NH2 में। तो ये बनाएगा एलिफेटिक एमीन, ये बनाएगा एरोमेटिक एमीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, NO2 ग्रुप कन्वर्ट टू NH2, NO2 ग्रुप कन्वर्ट टू H2, दैट मीन्स नाइट ऑक्सीजन इज प्लेस बाय हाइड्रोजन, सो दैट फॉर दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन। तो इसलिए क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके आप क्या बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो गाइस, बी नंबर में रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अगर साइनाइड आपके पास है RCN, CN को हम बोलते हैं साइनाइड ग्रुप, और NC को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप। आई थिंक ये लोग अब जानते हैं, नहीं जानते तो वैसे NCN साइनाइड ये क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। अगर साइनाइड को मैं रिडक्शन कराता हूँ, साइनाइड को किससे, H2 निकल से, या फिर लिथियम हाइड्राइड से, या फिर सोडियम एल्कोहल से, सोडियम क्या सोडियम एल्कोहल, या फिर NaBH4 से, और इसको सेम रीजन से रीजन करा रहा हूँ, तो साइनाइड देता है 1 डिग्री एमीन और आइसोसाइनाइड देता है 2 डिग्री एमीन। आप देख सकते हो आइसोसाइनाइड गिव्स 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, एंड दिस गिव्स, होता क्या है बस अब याद रखना, अगर इसको रिडक्शन कराता हूँ तो इसमें ए ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बताओ क्या हो रहा है, RCCA हो रहा है सिंगल बॉन्ड, इसमें कितना हाइड्रोजन का जरूरत है, 2 हाइड्रोजन का जरूरत है, इसमें कितना हाइड्रोजन का जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, बस इतना कर दो, इधर आर था आर ही कर दो, है ना इस तरह का, इसमें फिर सिंगल बॉन्ड कर दो RNC, तो इसमें कितना हाइड्रोजन का जरूरत है 1, इसमें कितना जरूरत है 3, तो ये कर दो, तो क्या हो गया ये 2 डिग्री, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 2 डिग्री, और एक कितना डिग्री 1 डिग्री। तो व्हेन साइनाइड इज रिड्यूस्ड बाय दिस रिएजेंट इट्स फॉर्म्स 1 डिग्री एमीन, व्हेन आइसोसाइनाइड इज रिड्यूस्ड बाय दिस सेम रिएजेंट इट्स फॉर्म्स 2 डिग्री एमीन्स। नाउ लेट्स सी ऑन एग्जांपल मोर, दिस बेंजो नाइट्राइड, या फिर बेंजो साइनाइड, या फिर साइनोबेंजीन इज रिडक्शन, इज रिएक्ट विद दिस रिड्यूसिंग रिएजेंट, दिस रिड्यूसिंग रिएजेंट सेम एक्ट सेम रिड्यूसिंग एंड इज फॉर्म दिस CH2 एंड NH2। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा CH2 NH2 इज फॉर्म्स बेंजाइल एमीन, इट्स फॉर्म्स बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल ग्रुप एंड इट्स रिएक्ट्स विद NH2, सो दिस इज बेंजाइल एमीन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शंस ऑफ एमाइड। अगर एमाइड को हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो दिस CO ग्रुप इज कन्वर्टेड टू CH2, दिस CO ग्रुप इज ओनली कन्वर्टेड टू CH2, तो इज कॉल्ड एमाइड टू 1 डिग्री एमीन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये मैं आसान करके बोलता हूँ आपको, बस एमाइड है RCONH2, दिस इज कॉल्ड एमाइड, इसके साथ अगर ब्रोमीन और KOH का रिएक्शन कराएंगे तो इस ग्रुप का हटा दीजिए, इस ग्रुप को आप हटा दीजिए, बस इसके साथ डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए, इस ग्रुप से डायरेक्ट, तो क्या बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ये देखिए, बाय द रिएक्शन यू कैन फॉर्म ओनली ओनली एंड ओनली 1 डिग्री एमीन, बोथ एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। इस रिएक्शन से स्रीव और स्रीव और स्रीव क्या बना सकते हैं, हम 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं, वो एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट बात, इसमें एक कार्बन कम हो रहा है क्या, हेयर कार्बन वन कार्बन इज लेस, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कम होना, क्या होना, एक कार्बन कम होना, इसलिए नाम इसका हॉफमैन ब्रोमाइड, या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ड्यू टू 1 कार्बन इज डिक्रीजेस। ओके, नाउ इट्स द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद एल्काइलेशन। कौन सा रिएक्शन, एल्काइलेशन, ये बात हमने कर लिया। एल्काइल हैलाइड के साथ अगर हमने 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन इसमें आ जाए चली जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो RNH और क्या हो जाएगा R, देखो इसमें HX और इसमें से H, तो क्या बन जाएगा NHRR, तो ये क्या बन जाएगा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमीन बन गया, क्या बन गया 2 डिग्री। अब देखिएगा इस, अगर मैं यही लेता हूँ क्या 1 डिग्री एमीन, इसका कर रहा हूँ एसिड क्लोराइड का रिएक्शन, एसिड क्लोराइड का, तो देखो एसिड क्लोराइड से क्लोरीन से Cl और H से क्या जाएगा, ना अमोनिया से N, नाइट्रोजन से N, तो ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या एल्काइल एमाइड, क्या बन जाएगा एल्काइल एमाइड। देखो ये देखो NH ए एमाइड ग्रुप है, तो एल्काइल एमाइड बन गया, इसी को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। लेकिन अगर गाइस ये 3 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए 3 डिग्री, देखो इसमें कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है जिसका इसका निकल जाएगा, तो इसका तो रिएक्शन नहीं होगा। तो 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, या फिर एल्काइल एसिड क्लोराइड इज कॉल्ड एसिटाइलेशन।
लेकिन 3 डिग्री इसका रिएक्शन नहीं करेगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके साथ RNH ऑन डिग्रेमिंग विथ बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या, बेंजाइल क्लोराइड, तो क्या बनेगा इससे HCl, इसमें H चले जाएगा, तो इस तरह को N, देखो N एल्काइल बेंजामाइड क्या बनेगा, और इसी रिएक्शन का नाम है देखो क्या, कोटेन बोमन रिएक्शन, क्या कोटेन, सो कोटन सी एस एस साइड एंड साइड रहेगा, कोटेन बोमन रिएक्शन, इसको याद रखना, एक बार एग्जाम में आया था, ठीक है। कोटेन बोमन रिएक्शन व्हेन वन डिग्री में रिएक्ट विद एल्काइल बेंजीन बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना, बेंजाइल बेंजामाइड, ठीक है ना, बेंजाइल क्लोराइड, इस तरह का RCOCl, तो इसको तो ए इसमें से सी एल, इसमें से ए जाएगा, तो बनेगा एन एल्काइल, एन एन के साथ आर ग्रुप है, तो एन एल्काइल बेंजामाइड बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद एच एन ओ टू, जो सबसे अभी तक का इंपॉर्टेंट में से हम मानते हैं, अगर एलिफेटिक है, एलिफेटिक वन डिग्री एमिन है, एलिफेटिक वन डिग्री, इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ आर एन ए एन ओ टू और ए सी एल, तो ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो इसको हम मिला के क्या बनाते हैं, एच एन ओ टू नाइट्रिक एसिड, क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड, इसके साथ टेम्परेचर देते हैं 0 to 5, तो ये क्या बन जाता है, जो वन डिग्री एमिन है तो क्या बन, एल्कोहल बन जाता है, उसके बाद एन टू और एच टू निकाल जाता है। लेकिन अगर यही अगर एरोमेटिक है अगर एच एन ओ का रिएक्शन करता हूँ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बनता है, ये जो एन ओ टू ग्रुप है ये बन जाता है एन टू प्लस बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट में बन जाता है, और जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन गया ये वेरी यूजफुल है जो ऑर्गेनिक बहुत सारा कंपाउंड बनाने में। ओके गाइस, अब देख लो वेरियस टेस्ट ऑफ एमिन, आप क्या पढ़ने वाले हैं, वेरियस टेस्ट ऑफ एमिन, बस क्या हॉफमैन मास्टरडेल टेस्ट, पहला टेस्ट याद रख लो, इसमें मुझे क्या जानना है, देखो वन डिग्री एमिन, इसमें रिएजेंट हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और मार्क्यूरी क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब इसमें रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, इसमें रिएजेंट हम यूज़ करते हैं CH2 पहला स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हम यूज़ करते हैं HgCl2 यूज़ करते हैं, ये दोनों यूज़ करते हैं रिएजेंट। ओके, अब देखिए अगर पहला इसका रिएक्शन कराता हूँ तो ये पहले रिएक्शन करके क्या बनाता है, इस तरह कंपाउंड बनाता है। आपको इतना भी याद नहीं रखना है, देखो इसमें सेकंड HgCl2 से रिएक्शन करके क्या बनता है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, इस तरह बनता है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, जिसका स्मेल कैसा होता है, मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल होता है, इसीलिए इसको तो मतलब वन डिग्री एमीन कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 का रिएक्शन करके मस्टर्ड ऑयल क्या दे रहा है, एक स्मेल सैंड का कंपाउंड। यही रिएक्शन मैं 2 डिग्री एमिन के साथ करूं तो पहला तो इसका रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन ये HgCl2 से रिएक्शन करके ऐसा कोई थायोसाइनाइट नहीं बनाएगा, जैसे कि इसमें बना रहा था, देखिए इसमें क्या बना रहा था, ये एल्काइल आइसोथायोसाइनाइट बना रहा था, लेकिन 2 डिग्री एमिन HgCl2 से रिएक्शन करके कोई थायोसाइनाइट नहीं बनाएगा, और 3 डिग्री एमिन कभी भी इसके साथ ही रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, तो जो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है ये कौन देता है, 1 डिग्री एमिन देता है, ठीक से बढ़िया से देता है, और क्या मस्टर्ड ऑयल एक ऑयल की तरह एक स्मेल देता है। नेक्स्ट हमें लिख दिया इसमें मस्टर्ड ऑयल जो ओनली फॉर्म्स बाय 1 डिग्री एमिन, मस्टर्ड ऑयल गैस कौन सा फॉर्म्स होगा, 1 डिग्री एमिन, मीन्स कार्बिल एमिन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल एमिन टेस्ट। ये क्या होता है कार्बिल एमिन टेस्ट, इसका रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म एंड KOH। 1 डिग्री एमिन इसके साथ एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, दोनों। अगर इसके साथ रिएक्शन करें उसके साथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH बेसिक मीडियम में, तो ये क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइड बनाता है, RNC बना देता है, क्या बनता है, आर एल्काइन। फिर से करो, एलिफेटिक और एरोमेटिक बोथ एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH इज फ्रॉम एल्काइल आइसो नाइट्राइल, मतलब एल्काइल आइसो साइनाइड बनाता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, और इसको क्या देखो ऑफेंसिव स्मेल, एक अलग टाइप का स्मेल का ये स्मेल, अलग टाइप का एक स्मेल देता है, इसको हम ऑफेंसिव स्मेल बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस, अगर मैं 2 डिग्री ले लूँ और 3 डिग्री ले लूँ तो इसके बाद इसका कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, नो रिएक्शन, मतलब ये दोनों कार्बिल एमिन टेस्ट 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बिल एमिन टेस्ट बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ 1 डिग्री देता है। नेक्स्ट गाइस, कौन सा, हिंडबर्ग सेपरेशन टेस्ट, इसमें हम रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, कभी कभी तो हिंडबर्ग का रिएजेंट पूछ लेते हैं, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और KOH। इसके साथ मैं 1 डिग्री कराता हूँ रिएक्शन, तो ये आराम से 1 डिग्री जो हाइड्रोजन है और इसका क्लोरीन पहले निकल जाएगा, तो इस तरह प्रोडक्ट बनेगा, ये KOH के साथ आराम से सोल्यूबल हो जाएगा, क्या सोल्यूबल का सोल्यूबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर 2 डिग्री ले लिया मैंने तो 2 डिग्री के साथ इसका रिएक्शन होगा, पहला स्टेप होगा, लेकिन ये KOH में सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब ये 1 डिग्री बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है, इस तरह इसका 1 डिग्री का एच और इसका क्लोरीन निकल कर ये कंपाउंड बनाता है, ये KOH के सोल्यूबल है, लेकिन ये 2 डिग्री पहला स्टेप करेगा,
लेकिन सेकंड के वो इसका सोल्यूबल इनसोल्यूबल हो जाएगा, सोल्यूबल नहीं होगा। अब क्या क्वेश्चन में था मैं आपको अभी बता, अभी बताया था जो 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या करता है, बेंजीन सल्फर प्रोडक्ट रिएक्शन पहला स्टेप में करता है, लेकिन 1 डिग्री के उसका रिएक्शन करता है और 2 डिग्री लास्ट में 1 डिग्री के उसका रिएक्शन, इसमें देखिए बेंजीन सल्फर के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम 3 डिग्री की बात करें, अगर देखो 3 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये 3 डिग्री के साथ इसका पहला स्टेप में कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि इसके पास कोई इसका फ्री हाइड्रोजन नहीं है, सारे एमोनिया एक आर ग्रुप है, इसमें रिएक्शन होता है। अब हम बात कर रहे हैं एनिलीन के बारे में, इसके बारे में अबाउट एनिलीन। अब देखिए एनिलीन के बारे में हम बात करते हैं तो पहले ही बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप है तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या करते हैं अगर एनिलीन में क्या होता है, ये जो NH2 ग्रुप है इसका क्या होता है माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर, माइनस आर और प्लस आर ग्रुप। क्यों माइनस आर? क्योंकि कार्बन से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसलिए माइनस आर, सॉरी माइनस आई। और ये क्या होता है लोन पेयर कंटेन करता है तो इसलिए बेंजीन्स के इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा इसलिए प्लस आर। लेकिन इसमें प्लस आर ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, माइनस आर। जिसका प्लस आर ज़्यादा पावरफुल रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल देने वाला तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग। रिंग को क्या कर रहा है एक्टिवेट कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देकर मदद कर रहा है। और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है ऑर्थोपैराडाइटिंग, क्या होता है ऑर्थोपैराडाइटिंग। सो एनिलीन इज रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप। नेक्स्ट देखिए इसका रिएक्शन, इसका जो रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन करता है और बहुत अच्छे से करता है क्योंकि ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ करता है। पहले हेलोजनेशन, अगर बेंजीन के एनिलीन के साथ में ब्रोमीन का रिएक्शन कराता हूँ तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है ब्रोमीन प्लस, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा होता है। अब ये इतना ज़्यादा रिएक्टिविंग है क्या कर देगा इसका सारे पोजिशन में ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पोजिशन में क्या कर देगा इसका 2 और 6 ट्राइब्रोम एनिलीन बना देगा जिसका व्हाइट पोजिशन देता है, क्या व्हाइट PPT दिया करता है, व्हाइट पोजिशन देता है, व्हाइट पोजिशन देता है। अब अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ जो मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बने तो पहले ये जो रिएक्टिविटी था उसको थोड़ा कम करना चाहिए तो इसको हम क्या करें एसाइलेशन कर लेंगे। देखो एसाइलेशन क्या करना है, हम कैसे करते हैं इसको एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड नाइट्रेट का रिएक्शन करेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़े तो ये बनेगा एसिटामाइड। देखो एसिटामाइड बनेगा इस तरह बनेगा तो रिएक्टिविटी कम होगा इसका, इससे रिएक्टिविटी क्या कम होगा। अब ब्रोमीन के साथ एसिड का रिएक्शन कराओ तो मोनो प्रोडक्ट बनेगा, क्या मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो या पैरा। अब इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये फिर से क्या एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बनेगा पेरा और मेटा। देखो सॉरी पेरा और क्या बनेगा ऑर्थो और पेरा बनेगा, पेरा वाला क्या होगा मेजर, ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा माइनर, क्या हो जाएगा माइनर। ओके अब नेक्स्ट देखो नाइट्रेशन, देखो नाइट्रेशन एनिलीन का नाइट्रेशन में कराता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट HNO3 के दोनों का इसको हम बोलते हैं मिक्स एसिड, क्या बोलते हैं मिक्सड एसिड, मिक्सड एसिड। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा NO2 बनेगा जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल में मुझे क्या ऐड करना है ऑर्थो पैरा में, तो ऑर्थो पोजीशन में ऐड किया, एक बार ऑर्थो पोजीशन में ऐड किया और पैरा में ऐड किया, लेकिन इसमें मेटा प्रोडक्ट भी बनता है यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है हम क्या उम्मीद करते हैं ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा लेकिन मेटा, ये दोनों क्या है एसिड है तो ये तुरंत क्या करता है ये जो एसिड है इसको H+ A ले लेता है, क्या लेता है ये H+ लेता है, इससे इस तरह क्या बनाता है इस तरह बना देता है NCH3+। अब ये ग्रुप जब बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो जाएगा NCH3+ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, मतलब ऑर्थो मेटा रिएक्टिंग हो गया। ड्यू टू एनिलीन रिएक्टिंग एसिडिक मीडियम इट्स एक्सेप्ट H+ एंड फ्रॉम NH3+, ये ग्रुप क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेटा रिएक्टिंग, तो इसीलिए मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, क्या बनता है मेटा प्रोडक्ट भी इसमें बनता है। ड्यू टू एसिडिक कंडीशंस इज ऑल्सो फॉर मेजर मेटा प्रोडक्ट, एसिडिक कंडीशन में मेटा प्रोडक्ट भी बनाएगा। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होता है बेंजीन एनिलीन के साथ कॉन्सेंट H13 का कॉन्सेंट H2 का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ इसका 180 और 90 डिग्री सेंटीग्रेड के, तो क्या बनेगा इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है देखो बेंज पेरा एनिलीन और बेंज सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनाइल सल्फोनिक एसिड, पेरा एनिलीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस तरह बोल सकते हो। देखो तो उसके बाद ये क्या होता है इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर IMPT, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ये हाइड्रोजन इधर जाता है और ये इधर आता है तो इस तरह बन जाता है, इसको हम बोलते हैं ज्यूटेरियन। ज्यूटेरियन किसको बोलते हैं जिसमें एक ही प्लस, एक प्लस और एक माइनस है, इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, उसको हम बोलते हैं ज्यूटेरियन। नेक्स्ट देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनिलीन का वो है कपलिंग रिएक्शन। कौन सा? अगर एनिलीन है इसके साथ मैं डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होता है इसका रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजीशन में ये जुड़ जाता है। इसका प्लस है तो एसिडिक मीडियम क्या होना चाहिए 4 to 5, तो ये क्या होता है इसका पैरा पोजीशन में जुड़ जाता है, इसका पैरा पोजीशन जुड़ जाता है तो सॉरी इसमें क्या होगा NH2 होगा
इसमें एन एच टू होगा, इसमें एन एच टू। इसका पैरा पोजिशन में बिल्कुल क्या जो है ए ग्रुप जो हो जाता है, और इसका कलर होता है येलो कलर। अगर मैं ऐसा ले लूँ एन एन, देखो एन एन डाइमिथाइल एनिलिन, एम एन डाइमिथाइल एनिलिन, तो भी क्या होगा सेम होगा, और इसका कलर भी क्या होगा एनिलिन, बिल्कुल सेम। अब देख लो रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट, डाइजोनियम सोल्ट का रिएक्शन, अगर डाइजोनियम सोल्ट का रिएक्शन कराता हूँ मैं एच सी एल सी सी यू सी यू सी एल टू, या फिर एच बी आर सी सी एल, इसको बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन, तो क्या बनता है क्रोटोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, क्या बनता है क्रोटोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसी का रिएक्शन सी यू सी यू एच सी एल सी यू एच बी आर का कराता हूँ तो फिर वही बनेगा क्रोटोबेंजीन, लेकिन इसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। अगर सी यू एच सी एल लेता हूँ सी यू एच बी आर लेता हूँ तो सैंडमायर, सी यू एच सी एल सी यू एच बी आर लेता हूँ तो क्या गटरमैन रिएक्शन, सी यू एच सी एल लेता हूँ तो सी एन बनता है, ये भी गटरमैन रिएक्शन। उसके बाद एच आई, देखो एच आई और हीट लेता हूँ तो क्या बनता है बेंजाइल आइडोबेंजीन। उसके बाद ए बी एच बी एफ फोर, इसका नाम है बाल सिमोनसिस रिएक्शन, क्या बनता है फ्लोरोबेंजीन। उसके बाद एच थ्री पी ओ थ्री, इसको याद रखना एच थ्री पी ओ टू, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो बनता है बेंजीन। इसके अलावा मैं वाटर और एल्कोहल से हाइड्रोलाइज कराता हूँ तो क्या बन जाता है फेनोल बन जाता है, क्या बन जाता है फेनोल। तो ये सारे रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट का आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रिडक्शन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कराते हो कंप्लीट नाइट्रोजन, क्या कंप्लीट रिडक्शन कराते हो तो इसमें मेटल एस सी एल पहले ही बता चुका हूँ, लिथियम हाइड्राइड एन बी एच फोर सोडियम एल्कोहल, इसमें से किसी भी करो तो ये कंप्लीट रिडक्शन का क्या बनाता है एनिलिन बना देगा, मतलब एन ओ टू इज कन्वर्टेड टू एन एच टू। अगर इसको एन एच फोर याद रखना, एन एच फोर एन एच फोर जिंक और एन एच फोर सी एल से रिएक्शन करा तो एक इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है और बनाता है एन एच ओ एच, क्या बनाता है हाइड्रोक्सी एनिलिन, देखो क्या बनता है हाइड्रोक्सी एनिलिन बना देता है। अब देखिए अगर उल्टा करना चाहता हूँ मैं, अभी क्या किया एन ओ टू से एन एच टू, अगर मैं उल्टा करना चाहता हूँ एन एच टू से एन ओ टू, तो हम क्या एक ही रिएजेंट यूज़ करते हैं मेनली पार एसिड, क्या यूज़ करते हैं पार एसिड, कोई भी पार एसिड यूज़ करो जैसे कि सी एफ थ्री ट्राईफ्लोरो पार एसिडिक एसिड, ये दूसरा पार एसिड जैसे और भी यूज़ कर सकता हूँ, और मेटाक्लोरो मेटाक्लोरो पार बेंजोइक एसिड भी यूज़ कर सकता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है इस तरह का, देखिए इस तरह का फॉर्मूला होता है सी ओ ओ ओ एच और इसमें क्या होता है क्लोरिन, ये तीन क्लोरिन मैंने तीन ऑक्सीजन गलत नहीं लिखा है, एसिड ग्रुप नहीं है, क्या है पार एसिड, ठीक है ओके। तो ये क्या है मेटाक्लोरो पार बेंजोइक, तो भी क्या होगा यही बनेगा। उसके बाद लास्ट और एक रिएक्शन इसमें चैप्टर का, बस उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। अगर एल्काइल हैलाइड है तो के एन ओ टू का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है ओ एन ओ, क्या बन जाता है के एन ओ टू बन जाता है ओ एन ओ, क्योंकि ए एन ओ टू क्या है एमिटेंट लिगेंड है, देखो एन ओ टू क्या है एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, इसमें क्या होता है लोन पेयर। अगर इससे रिएक्शन कर इसके भी अटैच हो सकता है, इससे भी हो सकता है क्योंकि एमिटेंट लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है एमिटेंट है एमिटेंट न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल। तो अगर के एन ओ टू के साथ रिएक्शन कराता हूँ के एन ओ टू, तो ये कौन सा कंपाउंड है इस तरह अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना देता है। लेकिन ए जी एन ओ टू के साथ रिएक्शन कराऊँ ए जी एन ओ टू का क्या बनाता है एन ओ टू, मतलब नाइट्रोजन से अटैच होता है इसके साथ, और ये तो निकाल जाएगा एस एन टू रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है एस एन टू, ये भी कौन सा रिएक्शन है एस एन टू। अगर आर एक्स से के सी एन का रिएक्शन कराता हूँ तो इस के सी एन भी क्या है इमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, देखो के इस बार लोन पेयर है इसका क्या है माइनस, तो अगर के सी एन कराता हूँ तो सी से अटैच होता है, अगर ए जी सी एन कराता हूँ तो एन से अटैच होता है, तो ये दोनों बनाता है। बस इतना था हमारा थ्योरी पार्ट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर से ओके। अब मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक एक करके 20 क्वेश्चन को करता हूँ। पहले देखो देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है, आप सोचिए ये कंपाउंड क्या है, इसका एसिड क्लोराइड और बेस, तो आप सोचो क्या होगा एसाइलेशन होगा, क्या होगा एसाइलेशन, मतलब इससे हाइड्रोजन इससे सी एल चली जाएगा तो क्या बनेगा गाइस, देखो पहला मैं कराता हूँ आपको इस तरह बनेगा ना, आप सोचिए पहले बने आंसर क्या होगा, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए एन एच सी ओ और क्या होना चाहिए सी एच थ्री, जो मैंने पहले ही आपको करा चुका हूँ थ्योरी में। अगर ए दिया हुआ है एनिलिन के साथ सी एच थ्री सी ओ सी एल, तो क्या होगा इसमें से सी एल और इसमें से एच जाएगा, इसको बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। इसके साथ क्या दिया है ए बन गया, तो ये बन गया हमारा ए है ना, इसके साथ क्या दिया है ब्रोमीन वाटर, क्या दिया है ब्रोमीन वाटर, अगर ब्रोमीन वाटर देता हूँ तो ब्रोमीन वाटर क्या होगा ब्रोमीन दोनों मिलकर क्या बनाएगा ब्रोमीन प्लस, ब्रोमीन प्लस बनाएगा। अब देख लो ये एक्टिविटी कम हो गया तो ये कहाँ जाएगा पैरा पोजीशन, तो ब्लॉक तो कहाँ जाएगा ऑर्थो पोजीशन में, तो क्या बनाएगा गाइस इस तरह बना देगा है ना एन एच, क्योंकि ऑर्थो पैरा रिएक्टिंग है पैरा में तो ब्लॉक है, तो कहाँ जाएगा ऑर्थो पोजीशन में दिस, ये ब्रोमीन आ जाएगा इस पोजीशन में, इस पोजीशन में कहीं भी ऐड कर दो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये बनेगा तो ये होगा बी। अब बी का क्या करें हाइड्रोलाइसिस, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊँ तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा फिर से एनिलिन हो जाएगा, मतलब
इसको हाइडलाइज कराऊँ मैं H3O+ से, तो ये ग्रुप फिर से क्या हो जाएगा, एलिन हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, और इसमें ब्रोमिनेट हो गया, इसमें कौन होगा, CH3। तो ये बनेगा प्रोडक्ट। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया मैंने, तो ये प्रोडक्ट जो ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, और एक क्वेश्चन बताया मैंने, क्या क्वेश्चन बताया इसमें, इसमें होता है मतलब, अब देखो, फॉर द डायजोनियम आयन, डाय किसके लिए, डायजोनियम आयन के लिए, फॉर द डायजोनियम आयन, देखो डायजोनियम आयन के लिए, डायजोनियम आयन मतलब N2 बेंजीन के साथ N2+ द वाटर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डायजो कपलिंग विथ फेनोल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH को किसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। आप देखिए, देखो अगर फेनोल का बात करूँ मैं, तो फेनोल तो डायजो कपलिंग करता है, अब देखो कौन सा रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, देखो कौन सा रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इन डायजोनियम आयन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ टू, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेंज फेनोल में ज़्यादा हो, तो इसमें क्या है, था इसमें दो NH2 ग्रुप है, इसमें कौन है, ओ, इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन देखो देने वाला ग्रुप है, लेकिन इसका पावर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने का, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी रिएक्शन कर पाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वही जल्दी रिएक्शन कर पाएगा। तो क्या बताया, फॉर द डायजोनियम आयन, ये सब डायजोनियम आयन है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स डायजो कपलिंग विथ डायजो कपलिंग विथ फेनोल इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, कौन NaOH के प्रेजेंट में फेनोल के साथ जल्दी रिएक्शन करेगा, है तो कौन जल्दी करेगा, ये जल्दी करेगा, दिस रिएक्शन विथ फास्ट। गाइस, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको आपको समझाने का कोशिश करूँगा ज़रूर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, द टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन 1°, 2° and 3°। कौन सा टेस्ट है जो 1°, 2° 3° को यूज़ करता है, सैंडमेयर रिएक्शन। अरे सैंडमेयर रिएक्शन तो कोई टेस्ट ही नहीं होता है इसके साथ, कार्बिलेमिन टेस्ट हाँ बिल्कुल होता है, मास्टर रोल टेस्ट बिल्कुल होता है, और बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड भी होता है। इसमें बताया टेस्ट ऑफ एमीन 1°, 2°, द टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश, कौन सा डिस्टिंग्विश करने के काम आएगा, तो कार्बिलेमिन हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सैंडमेयर तो बिल्कुल नहीं है, सैंडमेयर 1°, 2°, 3°, इनको सेपरेट करने में नहीं लगाता है, सैंडमेयर बिल्कुल अलग कोई रिएक्शन है, ठीक है ना। सैंडमेयर किसका रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है बेंजीन सल्फोन सॉरी डायजोनियम सोल्ट का, उसके साथ किया CuCl2 और HCl के साथ, उसमें तो अलग रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन क्या है, तो ये तीनों रिएक्शन है, आंसर क्या होना चाहिए, ये तीनों। ओके, नेक्स्ट देखो गाइस, ये तो बिल्कुल हमने लास्ट जो किया था उसी की तरह है, देखो ये क्या है, NH2 एनिलीन, इसका इसका रिएक्शन मतलब क्या होगा, आप सोच सकते हैं क्या हो जाएगा, हो जाएगा एसाइलेशन, तो क्या होगा NHCO और क्या होगा CH3 बन गया। अब इसके साथ मिक्सड एसिड मिक्सड एसिड मतलब नाइट्रेशन, क्या होता है नाइट्रेशन, अब बताओ ये नाइट्रेशन करेगा तो कहाँ जाएगा मिक्सड एसिड, तो इसके साथ नाइट्रेशन करोगे तो आप क्या हो जाएगा मिक्सड एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं मिक्सड एसिड, तो ये क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर क्या होगा नाइट्रेशन करेगा, क्या करेगा नाइट्रेशन, तो इसमें क्या था NHCO CH3, और इसमें क्या हो जाएगा NO2, क्यों पहला वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑर्थो माने ह्यूज रिपल्शन होगा, उसको हाइड्रोलाइज करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे तो फिर ये ग्रुप क्या हो जाएगा NH2 में कौन हो जाएगा, तो C क्या बनेगा गाइस, C बनेगा ये क्या NH2, और पैरा में क्या होगा NO2, ठीक है ना, तो पैरानाइट्रो एलिन क्या बनेगा, पैरानाइट्रो एलिन। अब देखिए नंबर 5 में क्या बताया, मैच करने के लिए बहुत बहुत मैंने इंपॉर्टेंट सवाल है, गैब्रियल थैलीमाइड, अच्छा बताओ गैब्रियल थैलीमाइड में क्या करते हैं, हमने बताया था गैब्रियल थैलीमाइड ऐसा एक रिएक्शन है जिसमें स्लिप और स्लिप क्या बना सकते हैं एलिफेटिक 1°, क्या बना सकते हैं एलिफेटिक 1°। ओके, रिडक्शन विद लिथियम हाइड्राइड, रिडक्शन विद लिथियम हाइड्राइड, अगर रिएक्शन करें कौन किससे करें CaCl3 और KOH, मतलब ये कौन रिएक्शन देता है स्लिप 1°, किस क्या बनाता है साइनाइड से सॉरी एमिन से आइसोसाइनाइड बनाता है ना, उसके बाद 1°amide विथ ब्रोमीन। अब देख लीजिए गैब्रियल थैलीमाइड क्या करता है, पहला वाला नंबर ये गैब्रियल थैलीमाइड, देखो गैब्रियल थैलीमाइड ये क्या करता है, ये 1° क्या बनता है एलिफेटिक एमिन बनाता है, इसमें 1° एलिफेटिक एमिन कहाँ है आप देख सकते हैं, देखो ये बेंजीन के साथ है NH2, हाँ एरोमेटिक है जो साइनेट है बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये जाएगा ये के साथ
एलिफेटिक 1 डिग्री में नहीं, बिल्कुल सही है ना। देखो CH3CH2NH2 उसके बाद देखो रिडक्शंस ऑफ लिथियम आयन, इसको हम छोड़ते हैं बाकी देखते हैं। इसमें देखते हैं पहले रिडक्शन विद सी एच थ्री, ये कौन देता है देखो, ये देता है ना, ये देता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है रिएक्शन, देखो अगर मैं लेता हूँ आर CH2 और NH2, ये 1 डिग्री में है ना, ये 1 डिग्री में है, इसका क्या रिएक्शन कराता हूँ, इसका रिएक्शन कराता हूँ CH Cl3 और के हो इसका, तो क्या होगा कार्बोलिमिन टेस्ट, तो क्या हो जाएगा RCH2 और NC हो जाएगा, NC है ना, क्या हो जाएगा साइनाइड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो हमें इसमें रिएक्शन में क्या करना चाहिए, रिडक्शन ऑफ बाय लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड से रिडक्शन करके तो क्या बनेगा, तो इसको रिडक्शन करा सकते हैं, तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब हमें इसको ध्यान देना, इस ऑप्शन को हमें उतना ध्यान देना नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है मुझे। देखो तो गैब्रियल थैलीमाइट का इसका मतलब क्या होता है, ये हमें एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन बनाने में मदद करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है रिडक्शन कराता है साइनाइड को, क्या साइनाइड को 1 डिग्री एमीन में, आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री एमीन में, और ये क्या करता है कार्बोलेमिन टेस्ट 1 डिग्री एमीन के साथ, और ये क्या होता है 1 डिग्री एमाइड, एमाइड से क्या बनता है एमीन बनता है, बस इतना याद करो, बाकी तो मिलाना नहीं। उसके बाद देखिए नंबर 6, देखो ये क्वेश्चन, ये कौन है इन दिस रिएक्शन, इसमें हमें 1 डिग्री है ना इज ऑप्टेन, ये क्या बनाएगा, तो पहले देखो अगर मैं इसे लेता हूँ C6H5NH2, आप देख सकते हो इसको 1 डिग्री एनिलीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CS डबल बन इस तरह होता है, तो इसमें क्या बनता है जो हॉफमैन मास्टरवर्ट टेस्ट, तो ये जुड़ जाता है इसके साथ, इजार से जुड़ जाता है, तो क्या बनता है जानते हो C6H5NH C डबल बन S और SH ये बन जाता है, इसके साथ HgCl2 का रिएक्शन करा HgCl2, तो क्या बनता है देखो C6H5N11C11S आइसोथायोसाइनाइड, क्या बनता है आइसोथायोसाइनाइड फिनाइल आइसोसाइनाइड, देखो क्या है ये फिनाइल है, तो क्या बनेगा फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड, तो दिस इज द आंसर, जिसका नाम है गैब्रिया सॉरी हॉफमैन मास्टरवर्ल्ड रिएक्शन। ओके नेक्स्ट देखिए गाइस, ये तो बहुत आसान है, देखिए इसके साथ इसका रिएक्शन, इसके साथ इसका रिएक्शन, देखो एनिल के साथ इसका रिएक्शन है और एन ओ इसके प्रेजेंट में, तो बन गया ये एसाइलेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इज नॉन एस, इस रिएक्शन का हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया था क्या था सोटेन बोमान रिएक्शन, क्या नाम है सोटेन बोमान रिएक्शन फिजल क्रेफ्ट या तो फिजल क्रेफ्ट रिएक्शन, क्या होता है बेंजीन या फिर बेंजीन डेरिवेटिव का क्या होता है उसके साथ कार्बन रिंग का जुड़ना है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद पार्किंग रिएक्शन दूसरा है, एसिटाइलेशन रिएक्शन है, लेकिन ये स्पेशल कौन सा रिएक्शन है सोटेन बोमान रिएक्शन है। ओके नाउ लेट्स सी 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला C3H9N, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो बिल्कुल लास्ट में करना, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको आपको ड्रॉ करके देखना ही है, कितना पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9 तो कैसा हम बना सकते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 और NH2 ऐसे बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं CH3 CH CH3 NH2 ये बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं CH3 CH CH3 इसमें NH2 ये बना सकते हैं, तो कितना बना लिया 3, तो इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। और कुछ और बना सकते हैं क्या, देखो 3 हो गया, और ये बना सकते हैं इसमें CH3 CH2 ये भी बना सकते हैं, ये 2 डिग्री और हिसाब कितना 1 डिग्री, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री नहीं बना सकते हैं, 3 डिग्री बना सकते हैं, देखिए 3 डिग्री बना सकते हैं, 3 डिग्री बना सकते हैं, तो क्या 3 डिग्री कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन इसमें CH3 इसमें क्या CH3 3 डिग्री बना सकते हैं, तो कितना होगा 1 2 3 4 और कितना 5, तो 1 2 3 है 1 डिग्री, 1 है 4 5 डिग्री, 1 है 4 डिग्री, तो ये कितना होगा आइसोमर, द पोटार पॉसिबल आइसोमर सब देखो, तो ये इस तरह क्वेश्चन आ गए, तो अब लास्ट में ट्राई करना क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जाएगा आपको। ओके अब देखिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन के साथ इसका रिएक्शन मैंने अभी बताया था इसको आपको लास्ट थ्योरी में, जो ये पार्शियल रिडक्शन होता है और क्या बनाता है ये बना देता है, क्या बना देता है तो हाइड्रोक्सी एनिलीन बना देता है। ओके
उसके बाद देखो इस तरह का रिएक्शन अगर आ गया तो इसका रिएक्शन, अगर इस तरह रिएक्शन एसिड इसका रिएक्शन रिएक्शन है तो ये क्या बना देता है कि ये बना देता है इस तरह का ये बना देता है। ये जो एसिड का एसोसिएल है उसमें OH रिप्लेस होगा Cl से, ठीक है, ब्रोमिन CO और क्या हो जाता है इसमें Cl, है ना। उसके बाद अमोनिया का रिएक्शन कराओगे तो आप क्या होगा, ये रिएक्शन होगा NH2 से रिप्लेस होगा, तो क्या बनेगा इसमें ब्रोमिन रहेगा, इसमें क्या होगा CO और क्या हो जाएगा NH2। अब इसका किसका रिएक्शन NaOH और Br, बस क्या होपेन ब्रोमाइड, तो ये क्या हो जाएगा हट जाएगा इसमें NH2 आ जाएगा, तो D क्या होना चाहिए, D होगा इस तरह का NH2 और क्या ब्रोमिन, ठीक है, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन क्या हो जाएगा ऑर्थोब्रोमो। फिर बोल रहा हूँ अगर एसिड के साथ एसोसिएट होता है तो इसमें OH रिप्लेस होगा Cl से, अगर एमोनिया देता है तो इसमें NH2 रिप्लेस होगा, सॉरी Cl रिप्लेस होगा NH2 से, तो क्या बनेगा एमाइड बन गया, एमाइड को ब्रोमिन और NaOH का रिएक्शन करेगा तो होपमैन ब्रोमाइड, तो ये क्या करेगा OH रिप्लेस हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा NH2 जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 डिग्री, तो एनिलीन बन जाएगा, तो इस तरह कंपाउंड बन जाएगा। अब देख लो नंबर 11 क्या बताया, बेंजामाइट एंड बेंजाइल एमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, अच्छा बताओ पहले बेंजामाइट क्या होता है और बेंजाइल एमीन क्या होता है। देखो ये होता है बेंजाइल एमीन, इसको हम बेंजामाइट बोल सकते हैं, सॉरी बेंजामाइट है ये नहीं, CONH2 क्या होगा इसमें बेंजीन के साथ CONH2 इधर दिखता हूँ मैं CONH2, इसका नाम है बेंजामाइट, इसका है बेंजाइल एमीन, कैन बी डिस्टिंग्विश, दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ तो ये क्या होगा, इसके साथ क्या करेगा एल्कोहल देगा, लेकिन इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये देखो ये क्या दोनों बनाता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है HNO2 बनाता है नाइट, तो ये 0-5, तो ये क्या हो जाएगा एल्कोहल, देखो एलिफेटिक है, एलिफेटिक तो क्या बन जाएगा 1 डिग्री मेन बन जाएगा, ठीक है क्या बन जाएगा 1 डिग्री, तो ये बन जाएगा इस तरह क्या बन जाएगा CH2OH एल्कोहल, तो ये इसका रिएक्शन करेगा, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, इसका रिएक्शन बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद देखिए बताया मेथड बाय व्हिच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कौन सा मेथड है जिससे एनिलीन हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। देखो ये नाइट्रोजन है, इसका एनिलीन इसका H2 निकल सकता, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा नाइट, ये ग्रुप रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या एनिलीन नहीं बना सकते, देखो इसके साथ इसका रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस, तो ये बना एनिलीन ये कभी बनता नहीं है, क्यों, ये गैब्रियल थैलीमाइड में एरोमेटिक एमीन नहीं बनता है ना, सिर्फ एलिफेटिक बनता है 1 डिग्री एमीन, तो ये गलत है। देखो ये CN इसका हाइड्रोलाइज कराओगे तो क्या बनेगा, अगर CN को हाइड्रोलाइज कराओगे, याद करना CN को हाइड्रोलाइज कराओगे तो एनिलीन NH2 हो जाएगा और एसिड बन जाएगा, तो ये भी बनाता है, लेकिन इसमें अरे ये तो बहुत आसान है, देखो CONH2 है उसके एसिडामाइड से बनाकर, तो ये निकल जाएगा तो क्या एनिलीन बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन सकता। आप देख लिए द इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम इज फॉर्म्स, ये क्या बनाएगा, तो आपने बताया तो क्या बताया द इलेक्ट्रो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, इस तरह बनेगा हाइड्रोक्सीनिलीन, इसको अगर फिर से हीट करोगे तो ये रीअरेंज होकर क्या बनाएगा, ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सीफेनॉल, रीअरेंज होकर ये इधर आ जाएगा, इधर का हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो क्या बनेगा पैराहाइड्रोक्सीफेनॉल, देखो पैराहाइड्रोक्सी फेनॉल बनाएगा, ओके। उसके बाद देखो एनिलीन स्टेट विथ ब्रोमीन वाटर, एनिलीन को ब्रोमीन वाटर ट्रीट करो, ये गिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, ट्रीटेड विथ HNO2 इट गिव्स वाटर एंड वाई कंपाउंड से ट्रीटेड विथ कॉपर क्लोराइड एंड इट गिव्स HCl, इनको जेट का बनाना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या बताया है एनिलीन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, तो पहले एनिलीन देता हूँ, एनिलीन लेता हूँ, एनिलीन क्या है, ये एनिलीन है, किसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, तो आप जानते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा हाई रिएक्टिव ग्रुप, तो ये ब्रोमीन और इसमें क्या आ जाएगा एक ब्रोमीन, ट्राई ब्रोमो सबसे प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद क्या बताया फिर, इसके बाद बताया फिर देखो क्या बताया एक्स बनेगा, हाँ एक्स का रिएक्शन HNO2 5°C, इसका रिएक्शन क्या HNO2 5°C, तो ये क्या डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, आसान सा बात है N2+ और Cl-, है ना, इसमें ब्रोमीन और इसमें जो था ब्रोमीन बनेगा,
तो ये हो गया वाई, ये क्या हो गया वाई, ए हो गया एक्स। इसका रिएक्शन किसका बताया बताइए, देखो इसका रिएक्शन बताया वाई कंपाउंड इज सी यू टू सी एल टू इट गिव्स एच सी एल। अच्छा इसके बाद आसान है, सी यू टू सी एल टू और एच सी एल। इस तरह रिएक्शन देखा ना तो घबराना मत, तेरे को ये कौन सा सेंड माया रिएक्शन टाइप का ना, तो क्या बना जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा सी एल, इसमें ब्रोमीन था, प्रोबीन ब्रोमीन हो जाएगा, तो क्या बनेगा 246 ट्राइब्रोमो, 246 ट्राइब्रोमो क्लोरोबेंजीन, तो आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा ना, देखो टू ट्राइब्रोमो क्लोरोबेंजीन बस हो गया, टू ट्राइब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ओके नेक्स्ट देखियो, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एमंग द फ्लोइंग एमीन्स, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। देखो इसमें ये देखो 2 डिग्री है, अब बेस का बेसिसिटी के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया उसके बोल दिया है, उसमें याद रखना जो बेसिसिटी 2 डिग्री का ज़्यादा होता है इन पोलर मीडियम, तो ये 2 डिग्री होगा, ये कितना होगा 2 डिग्री, बाकी कोई 2 डिग्री नहीं होगा। अगर 2 डिग्री होगा तो इसमें एक 2 डिग्री होगी मिथाइल मिथाइल, देखो डाई मिथाइल मिथानामिन, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल वाला ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लेना मेरा वीडियो लास्ट में जो बेसिक नेचर का बताया इसमें बताया। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट बताया मैंने, देखो इसमें क्या था एन ब्यूटाइल, क्या बताया एन ब्यूटाइल एमिन, देखो एन ब्यूटाइल एमिन डाई इथाइल एमिन एंड एन एन डाई मिथाइल एनिलीन हैव द सेम मॉलिक्यूलर मास हैविंग देन इंक्रीज वाटर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो एन ब्यूटाइल एमिन, एन ब्यूटाइल का मॉलिक्यूलर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू एनिलीन एच टू, ये एन ब्यूटाइल नॉर्मल। उसके बाद क्या है डाई इथाइल, डाई इथाइल एमिन, देखो सी एच थ्री सी एच टू एन एच सी एच टू सी एच थ्री, ये है डाइथाइल डाइथाइल। उसके बाद क्या है एन एन डाई मिथाइल इथैमिन, इसमें ये है 3 डिग्री, तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और क्या है 3 डिग्री। देखो इसमें क्या होगा बॉलिंग पॉइंट कैसे, देखो ब्रांचिंग जितना बढ़ता है बॉलिंग पॉइंट उतना कम होता है, तो ये इसका बॉलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा 1, 2 और 3, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ब्रांचिंग बढ़ने के बाद, कमता है जितना ब्रांचिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम, तो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ब्रांचिंग बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ठीक है नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थेरेमाइट सिंथेसिस, गैब्रियल थेरेमाइट सिंथेसिस कौन सा प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। देखो इसमें देखो इथाइल गैब्रियल थेरेमाइट से हम क्या बना सकते हैं 3 बॉन्ड डिग्री, देखो इथाइल मिथाइल एमिन, शॉर्ट खाने में बोल रहा हूँ इथाइल मिथाइल एमिन, इथाइल मिथाइल एमिन मतलब इथाइल मिथाइल मतलब सी एच थ्री एन एच सी एच टू सी एच थ्री, ये 2 डिग्री हो गया तो इसको बना नहीं सकते, बाकी सब 1 डिग्री एमिन है तो इसको बना सकते हैं। ओके उसके बाद बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अपीयरिंग फॉर द कन्वर्टिंग ऑफ द एसीटामाइड एसीटामाइड टू मिथाइल एमिन, अरे एसीटामाइड क्या होता है सी एच थ्री सी ओ एन एच टू, एसीटामाइड मिथाइल एमिन क्या होता है सी एच थ्री एन एच टू, तो इसमें से ये कट गया, देखिए ये हट गया है ना, ये हट गया ये हट गया, तो ये एक मर गया तो क्या बनेगा मिथाइल एमिन, तो कौन सा हॉफमैन ब्रोमाइड, तो बी रिएक्शन इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके लाइट चली गई इसलिए थोड़ा लाइट कम हो गए, और दो रिएक्शन है जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ दो रिएक्शन, और इसको मैं दो पार्ट में इसलिए बांट गया क्योंकि पहला पार्ट ऑफ हो गए थे करते करते, और वीडियो एडिशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ और बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको हिस्सा करके आपको दे दूँगा, आपको प्लीज़ 2 पार्ट भी देखना है। ठीक है ना, 1 पार्ट करते करते अचानक बंद हो गए थे तो उसको आपको पता चलेगा 1 पार्ट देखने के बाद ही, जब 2 पार्ट हमें कहाँ से देखना है। ओके अब नेक्स्ट देखिए, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है नाइट्रो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड, ए रिएक्ट विद एस एन एस सी एल फ्लोड बाई द, इसको एस एन के साथ रिएक्शन करने के बाद एन टू के साथ रिएक्शन कराओगे एंड गिव्स क्या अंडर कंपाउंड बी, कंपाउंड बी देता है बी ऑन ट्रीटेड विद फेनोल इज फॉर्म ब्यूटीफुल कलर ऑफ सी, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सी ट्वेल्व एच टेन एन ओ टू, तो क्या होगा देखो बताया ए कंपाउंड है उसके साथ एस एन सी एल टू का रिएक्शन कराते हैं, कंपाउंड ए है ए कंपाउंड इसके साथ किसका रिएक्शन कराते हैं एस एन एच सी एल का, अब बताइए इसमें अगर एन ओ टू होता तो यही तो क्या होगा रिडक्शन करके क्या बनाएगा एन एच टू बनाएगा। ठीक है ना, अब इसका देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला देखो इसके इसके साथ अगर क्या रिएक्शन कराऊँ एच एन ओ टू का रिएक्शन तो क्या बन जाएगा आप जानते हैं सब क्या बनेगा एन टू प्लस डाइजोनियम सोल्ट और सी एल माइनस, इस तरह का सी एल माइनस को छोड़ो एन टू प्लस बनेगा, इसके बाद फेनोल का रिएक्शन होगा फेनोल
क्या बनाएगा? कपलिंग रिएक्शन क्या होगा? कपलिंग रिएक्शन होगा और क्या है कपलिंग रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा इसमें? रेड ड्राई ऑरेंज कलर का होगा, तो इसका क्या होना चाहिए? नाइट्रोबेंजिन। क्या होना चाहिए? नाइट्रोबेंजिन, क्योंकि इसमें पहले दिया एन नाइट्रोजन कॉन्टेंट कंपाउंड एसिल एसन एसिल थे, मतलब नाइट्रो कंपाउंड को एसन से तो एनिलीन बनेगा। ओके लास्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजिन इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम प्रोसेस। बोला है द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजिन, नाइट्रोबेंजिन, अच्छा ये सॉरी ये क्वेश्चन डबलिंग हो गया, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका है आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया 13 नंबर में, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है, सॉरी इसको डबलिंग हो गया मेरा। ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये हमारा नाइट्रो मेन चैप्टर का जो मेन हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एलिन 12 का एल्कोहल फेनोलिथार एल्डिहाइड कीटोन और नाइट्रोकोबाल्ट मेन चैप्टर था, हमने सब चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। मैंने आई होप आपको आपको रिवीजन इससे अच्छे से हो जाएगा, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जितना हो सके आपको मदद करने का ट्राई करूँगा। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, बाय, गुड नाइट।